नमस्कार, मेरे सामने रखी ये सब चीज़ें करीब 4,500 से 5,500 साल तक पुरानी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हड़प्पा मोहनजोदारो या इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली थी, और हमारा आज का टॉपिक भी उसी सिविलाइजेशन से लिया गया है। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ उस जगह को हम कहते हैं राखी गढ़ी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी साइट है, मोहनजोदारो और हड़प्पा से भी बड़ी। आज की हमारी कहानी उसी साइट के एक ऐसे कपल की है जिनको उस समय एक साथ ही दफनाया गया। उनकी मौत और उनका एक साथ दफनाया जाना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ पे मैं आपका होस्ट अंकित इस स्पेशल कहानी को अपने इस स्पेशल एपिसोड में आपके सामने रखूंगा। राखी गढ़ी 5,000 साल पुराना ये दुनिया का शायद सबसे पहला शहर है जो आज के हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां हड़प्पा और मोहनजोदारो ने शुरू में सारी लाइमलाइट बटोरी, वहीं धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि राखी गढ़ी ही उस इतिहास का असली किंग है। अगर उन दोनों को मिला भी दिया जाए ये उससे भी बड़ा है और उससे पुराना भी है। पर राखी गढ़ी को जिस बात ने, जिस मिस्ट्री ने और फेमस किया, वो थी बस एक 6x7 feet की जगह। 2013-2014 में लीड रिसर्चर वसंत शिंदे की लीडरशिप में इंडिया और कोरिया की टीम्स ने एक एरिया में रूटीन खुदाई शुरू करी। इसी दौरान उन्हें वहां एक कब्र मिली जिसमें एक नहीं बल्कि दो स्केलेटन्स एक साथ मिले। पूरे देश में कई पुरानी कब्रें मिली और खुद राखी गढ़ी में 62, लेकिन ऐसा ट्विन बेरियल पहली बार देखने और सुनने को मिला। इस न्यूज ने पूरे आर्कियोलॉजिकल जगत में सनसनी फैला दी और जल्द ही ये भी पता चल गया कि ये कोई वॉर में मारे गए दो सिपाहियों की नहीं पर एक कपल के स्केलेटन्स हैं। रिसर्च से ये भी पता चला कि उस आदमी की उम्र करीब 35 साल रही होगी और उस औरत की करीब 25 साल। जब उनकी हड्डियों पर और रिसर्च की गई तो उन पर एक भी घाव का निशान नहीं मिला, तो फिर ये कह जाना मुश्किल है कि वो एक ही साथ कैसे मरे और उनको फिर दफनाया कैसे गया। हो सकता है एक कारण ये हो कि उनको कोई बीमारी रही हो जो एक साथ इन दोनों को हुई हो और वो एक ही साथ मर गए हों, पर ये अभी भी अंदाज़ा है। तो ये भी बताया गया कि आदमी की हाइट करीब 5'8" की थी और उस औरत की 5'6" की। उस समय के हिसाब से भी ये हाइट बहुत कम थी। जिस इलाके में उन दोनों के कंकाल मिले हैं वहाँ और कई कंकाल भी मिले हैं, लेकिन वही दो एक ऐसे कंकाल हैं जो एक जोड़े में दफनाए गए थे, क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों को एक साथ दफनाया गया था, ऐसे तथ्य मिले हैं, लेकिन किसी को एक साथ जोड़े में, एक कपल में दफनाया गया हो ऐसा शायद पहली बार हुआ था। उन दोनों के अलावा वहाँ कई पॉटरी और स्टोन बीड ज्वेलरी भी मिली, लेकिन सामान का स्टैंडर्ड देखकर ये अनुमान लगाया गया कि वो एक मिडिल क्लास कपल ही थे। 2024 में कंप्लीट होने वाले राखी गढ़ी म्यूजियम में इनको आखिरकार रखा जाएगा जिससे पब्लिक इनको देख सकेगी। पर सवाल अब भी वही है कि जब दोनों की हड्डियों पर एक भी घाव नहीं है तो दोनों एक साथ मरे कैसे होंगे? कोई बीमारी भी होती तब भी एक साथ दोनों का मरना मुश्किल था, और अगर ऐसा होता तो और ऐसी कब्रें मिलती पूरे इंडस वैली सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन में। ये एक सस्पेंस, एक रहस्य बना हुआ है जिस पर गेसवर्क जारी है। कुछ लोगों ने फिर ये तक कहा है कि बिना हथियार के भी उनका मर्डर ही हुआ होगा, या तो उनको जहर देके मारा होगा या एक बंद जगह पर कैद करके जहां उनका दम घुट गया हो। दुनिया का शायद सबसे पहला कपल बेरियल, जो आज भी इतनी बड़ी मिस्ट्री है, हरियाणा की फेमस प्लेसेस में मानी जाने लगी है और आज के सिंध के मोहनजोदारो से भी आगे निकल चुकी है। हमारे इतिहास की ऐसी कई मिस्टीरियस और दिलचस्प कहानियां इतिहास में ही खोकर रह गई हैं। आप ऐसे ही अपनी कहानियां हमें भेजते रहिए, हम उनको हमारे एपिसोड में हमेशा ज़रूर सुनाएंगे। और हमारे जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, इस बेल आइकन को दबाकर जल्दी से जल्दी करें।
मैं आपके पास अगले एपिसोड को लेकर आता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।